राधे, अभी हम परिक्रमा मार्ग में और अभी हमें एक यहाँ बाबा जी मिले हैं जो भक्तों के लिए देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। ये इन्होंने कट्टे को पानी में भिगोया है और अब ये इन मटकों पर लगा रहे हैं ताकि पानी ठंडा मिले भक्तों को। ये देखिए, ये चामुंडा माता के मंदिर के पास में बैठते हैं बाबा, जो भक्तों के लिए पानी की व्यवस्था इन्होंने अभी शुरू किया एकादशी से। ये देखिए, तो जय श्री राधे महाराज जी। तो ये आपने कब से अभी शुरू किया है? एकादशी वाले दिन चालू करा। अच्छा, एक तो आपने मतलब ये सब भक्तों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं आप, तो आप यहीं रहते हैं कि कहाँ? सामने सोता हूँ, मेरी खुद की जगह तो नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं एक साल हो गया यहाँ पे रहता हूँ। पहले हरिद्वार तो रहता था। अच्छा, पहले आप हरिद्वार रहते थे? पहले हरिद्वार रहता हूँ, राजस्थान का हूँ मैं। तो आप राजस्थान से कब निकले थे? ये हो गया 2002 में, मतलब आज से 20-21 साल पहले। तो राजस्थान से फिर कहाँ निकले सबसे पहले? कोई पता नहीं कहाँ कहाँ गए, उस चीज को छोड़ो आप। तो घर वाले, घर परिवार को सब अपने अपने मस्ती में आप कृष्ण भगवान की नगरी में। तो ये व्यवस्था 24 घंटे चलती है या कि रात में बंद? रात को 10-11 बजे तक, लेट तक मैं तो सोना है। जब अपने लेट 11 बजे तक 12 बजे तक बैठा रहता हूँ, उसके बाद में वहाँ ये सामने ये महाराज जी की कुटिया है ना, ये सामने कुटिया है महाराज जी की। ये दूसरे की जगह है जो मैं एक साल से यहाँ पे ध्यान रखता हूँ। ये दुकान रात को मंगल हो जाती है। अच्छा, रात में ये बंद हो जाती है, आप ध्यान रखते हैं? तो उन्होंने, मालिक ने मेरे को यहाँ पे रख रखा है, कब इसका ध्यान रखो। तो ये आपके यहाँ चार मटके आपने रख रखे हैं। तो पानी आप कहाँ से लाते हैं? पानी वो सामने नल लगा, ये जो सामने नल लगा हुआ है ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारे जी पानी डालते हैं। ये देखिए भिगोए हुए कट्टे, तो इनसे पानी ठंडा रहता है पूरे दिन? बिल्कुल एकदम, अभी एक घंटे बाद ऐसा हो जाएगा एकदम फ्रिज जैसा। अच्छा, और पेड़ के नीचे तो फिर तो और ठंडा। ये देखिए, ये महाराज जी परिक्रमा मार्ग में चामुंडा माता मंदिर का यहाँ इधर से थोड़ा पास में ही है। और महाराज जी कुछ ऐसे, आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम चंद्रगिरी। चंद्रगिरी, आप राजस्थान से हैं और वृंदावन में अभी आपको एक साल हो गया? एक साल हो गया। तो ये आपने क्या सोच के शुरू किया कि ऐसा कुछ करते हैं पानी वानी की व्यवस्था भक्तों के लिए? बस खाली रहता था, खाली रहने से क्या फायदा है यार, राधे राधे का नाम जपना है अपने, तो ये भी सेवा हो रही है। ये बहुत सुंदर सेवा हो रहा है। एक सेवा और करता हूँ जी, शाम को जमुना पार जाता हूँ जी, यहाँ से निकलूँगा 4 बजे और दलिया जो होता है गेहूँ का, हाँ, वो पिसवा के जो चींटियाँ होती है उनको डालता। अच्छा, जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं यमुना किनारे, उनको डालता डालता मैं पानीग्राम तक जाता हूँ पैदल। पैदल डेली? अच्छा, डेली चार, सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ, एक मतलब एक बार जाना ही जाना है, जाना ही जाना। और शनिवार के दिन जाता हूँ जहाँ अपने ये तिराया है ना, मसानी तिराया, हाँ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ तो वहाँ तक ये डालता जाता हूँ शनिवार के दिन, प्रत्येक शनिवार। अच्छा, यहाँ से पैदल? हाँ, एक साल से प्रत्येक शनिवार को यहाँ से पैदल मसा, कंधे पे ये देख रख के दलिया डाल के और 10 किलोमीटर जाता हूँ। और आते टाइम कभी कभी टेम्पो पे बैठता हूँ, नहीं तो पैदल ही आ जाता हूँ अगर मेरे पास समय होता है तो। पहले सर्दी में ठंडे दिन थे इसलिए, हाँ, पैदल ही आ जाता था वापिस। मैं इतना चलता हूँ, जमुना पार भी चला जाता हूँ, यानी 30 किलोमीटर तक मैं रोज चल सकता हूँ। मतलब तो अब आप जैसे यहाँ से मसानी तक ये डालते हुए जाते हैं? मसानी चौराहे तक प्रत्येक शनिवार को मसानी चौराहे तक यहाँ से निकलता हूँ 4 बजे। अब तो 4 बजे निकलता हूँ, पहले सर्दी में 3 बजे निकल जाता था। अच्छा, और प्रत्येक दिन जाता हूँ जमुना पार, प्रत्येक 3 किलोमीटर जाता हूँ, 3 किलोमीटर आता हूँ। और अभी आपने पानी की व्यवस्था कर दी भक्तों के लिए? ये एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास बचता है। अच्छा, जो टाइम बचता है उसका आपने ये पानी का उपयोग कर दिया? नहीं, बहुत सुंदर ये परिक्रमा मार्ग में महाराज जी ने सेवा शुरू की है भक्तों के लिए, पेड़ के नीचे बढ़िया ठंडक में। और देखिए मटकों को ठंडा करने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है। तो पहले तो ऐसे ही, और राजस्थान में तो ऐसे ही ठंडा किया जाता है पानी है? हाँ, राजस्थान में ऐसे ही ठंडा किया जाता है, ऐसे ही किया जाता है, हर जगह ही किया जाता है। हाँ, वैसे हर जगह ही किया जाता है। ये ज्यादा, ये सबसे बढ़िया,
ये सबसे बढ़िया व्यवस्था है। ये फ्रिज वगैरह तो अभी आई है नए जमाने की। अभी इस पे जैसे जैसे पानी छिड़केंगे वैसे वैसे पानी ठंडा होगा। जैसे ये वाला इस तरह से देखो, ये पूरा कूल हो जाएगा और जैसे ही अंदर जाएगा 10 मिनट में ये फ्रिज का काम करेगा। ये देखिए ये महाराज जी द्वारा बहुत सुंदर कार्य किए जा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा में। और महाराज जी कुछ कहना चाहेंगे आप कि वृंदावन आए क्या करें क्या नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ भक्तों को? वृंदावन आए हो राधे राधे जपो, राधे राधे जपो और भजन करो, भजन करो, भगवान का नाम लो। सुबह उठते ही ये प्रार्थना करो कि हे भगवान मेरे से कोई भूल के भी किसी की आत्मा ना दुखे, किसी मेरे हाथ से कोई किसी की आत्मा ना दुखे, मेरे हाथ से कोई बुरा काम ना हो और भगवान मेरे को ऐसा वरदान दो ताकि मैं अपना जीवन सफल बना सकूं, किसी की आत्मा ना दुखे, मैं प्रत्येक मेरा कदम भलाई के लिए हो, मैं ये चाहता हूँ। और भगवान से ये दिन रात उठते ही पहले प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान मेरा जो भी कदम उठे वो भलाई के लिए उठे और कोई मेरे हाथ से बुरा काम ना हो, किसी की आत्मा ना दुखे, मेरी भगवान से किसी को आप शब्द ना बोले जाए, ये प्रार्थना करता हूँ। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा। जय श्री राधे।